हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम रील्स सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की रील्स वायरल स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको अनलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको अनलाइट मोशन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अनलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद अनलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अनलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ से नारेसो 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको इस समय ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपनी फोटो के किसी भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस वॉलपेपर को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है 3 डॉट वाले, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग जाएगा। अब आपको वॉलपेपर की लेंथ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेंथ को खींचकर थोड़ा सा लंबा कर देना है। इस तरह से आपको इसकी लेंथ को थोड़ा सा लंबा कर देना है। दोस्तों, आपको फिर से वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ से आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से थोड़ा सा लेयर को आगे बढ़ाना है। फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। वॉलपेपर को आपको जूम करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में जूम कर लेना है। जूम होने के बाद आपको लेयर को फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। यहाँ से आपको फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको वॉलपेपर को जूम आउट करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को जूम आउट करना है। इस तरह से दोस्तों, आपको वॉलपेपर को सेट कर लेना है। आपको फिर से वॉलपेपर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वॉलपेपर को जूम करना है। इस तरह से आपको जूम करना है। अब आपको फिर से लेयर को आगे बढ़ाना है। प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद वॉलपेपर को जूम आउट करना है। इस तरह से अब आपको स्क्रीन पर टच करना है। इस तरह से तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगा। अब गाइस, आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहां से आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहां से आपको PNG सारी वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो आपको इस PNG इमेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस PNG सारी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से सारी को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से सारी को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको सारी की लेयर को खींचकर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। तो सारी की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एंड में जाना है। इस तरह से अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी सारी की लेयर ऑटोमेटिक वॉलपेपर की लेयर के बराबर हो जाएगी। अब आपको स्क्रीन पर टच करना है, फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब आपको इस वीडियो में साउंड लगाना है। साउंड लगाने के लिए आपको प्लस और ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको एक साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस साउंड वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके साउंड वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से दोस्तों, आपको साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी साउंड वीडियो स्क्रीन पर आ जाएगी। अब आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है 3 डॉट वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एस्ट्रिक आईडी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो का आईडी निकल कर आ जाएगा। अब आपको इस वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से एडिट हो चुकी है।
दोस्तों अब आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स वायरल सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।